स्पेशल ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 368 मेडल, 85 गोल्ड, 156 सिल्वर और 129 ब्रॉन्ज जीतकर देश का नाम ऊंचा किया। अपने देश में अभी तक दिव्यांग खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए अलग से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे दिव्यांग खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़े, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं के साथ एक इंटरनेशनल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर की जरूरत थी। हमारे माननीय मंत्री जी के सफल निर्देशन में हम आज यह सपना पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। अपने 2014-15 के बजट स्पीच में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की घोषणा की। इसके पश्चात हमारे माननीय मंत्री जी ने देश के पांचों क्षेत्रों में ऐसे 5 केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ग्वालियर में देश का पहला सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का शिलान्यास कर दिया गया है। इस केंद्र का स्थापना के क्रम में ऑस्ट्रेलिया में स्थित डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर का निरीक्षण किया गया और उसके बाद ही इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया, जिससे कि एक विश्व स्तर के केंद्र के निर्माण किया जा सके। इस केंद्र के निर्माण और शुरू के 3 वर्षों तक इसके संचालन के लिए सरकार द्वारा लगभग 171 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। इस केंद्र में 8,000 लोगों की क्षमता का एक एथलेटिक स्टेडियम, उच्च कोटि का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्किंग फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल सुविधा का प्रावधान किया गया है। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, टाइकोंडो, फेंसिंग, रग्बी, फुटबॉल, पैरा पावर लिफ्टिंग, बोचिया, गोल बॉल इत्यादि की सुविधा होगी। इस केंद्र की सुविधाओं का उपयोग दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ साथ सामान्य लोग भी उठा सकेंगे। इस प्रकार की एक केंद्र शिलांग मेघालय में भी स्थापना करने की दिशा में हमारा विभाग कार्य कर रहा है। इस अवसर पर मैं DGCRPF का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस पैरा साइकिल यात्रा का आयोजन कराया। एक बार फिर आप सभी महानुभावों को धन्यवाद करती हूँ।